हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स अपडेट। आज का जो वीडियो है उसका जो पूरा पॉइंट है, उस पॉइंट को पूरा करने के लिए मुझे आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी, तो साथ साथ में जहां जहां मैं रिक्वेस्ट करूं वहां वहां अपना ओपिनियन छोड़ते जाना वीडियो में प्लीज। आज एक न्यूज आई कि इंडिया की फास्टेस्ट स्प्रिंटर, वुमन स्प्रिंटर ड्यूटी चंद, उनका एक बैन अनाउंसमेंट हुआ है कि 4 साल का उन पे बैन लग गया है बिकॉज उन्होंने डोपिंग करी है। ये बैन इनफैक्ट सस्पेंशन अनाउंस हुआ था जनवरी में इस साल में, और उसके बाद अब फाइनली बैन अनाउंस हो गया है इस पूरे केस में। एंड ये एक चीज ना आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, पिछले कुछ महीनों में, इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में हमने काफी बार न्यूज सुनी है अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन की, अलग अलग एथलीट्स की, अलग अलग स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों की, कि अच्छा यहाँ पे ये डोपिंग हुई, यहाँ पे वो डोपिंग हुई। धीरे धीरे करके इंडिया में ये जो डोपिंग वाली चीज है ना, ये बार बार उठती जा रही है और ज्यादा बार उठती जा रही है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा जिसको कहते हैं, ये लोग ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें इंडिया सेकेंड नंबर पे था एंटी डोपिंग वायलेशन, मतलब बेसिकली डोपिंग केसेस में दुनिया में, सिर्फ रशिया से पीछे। एंड ये एक काफी कंसर्निंग चीज है एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज हिस्टोरिकली ऐसा नहीं था कि हम शुरू से ही ऐसा कर रहे हैं, बट पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे करके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं एंड अब हम सेकंड पे आ गए हैं। रशिया तो सीरियल इस मामले में रहा है, रशिया को तो ओलंपिक से बैन कर दिया था इस मामले में, बट उनके जस्ट पीछे होना कोई ऐसा छोटी मोटी बात नहीं है। पहले समझते हैं डोपिंग यानी भसूड़ी है क्या। डोपिंग बेसिकली जो आपका एक बैंड सब्सटेंस अगर किसी एथलीट ने लिया है अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए, अपना बेसिक ओवरऑल चांसेस को इम्प्रूव करने के लिए, कि उस कंपटीशन में जाते, किसी भी कंपटीशन में जाते हुए इलीगल तरीके से कोई सब्सटेंस कंज्यूम किया है, ऐसा कोई सब्सटेंस जो अलाउड नहीं है कंज्यूम करना, कोई ऐसा कंपाउंड हो गया, कोई ऐसी दवाई हो गई, कोई ऐसा एलिमेंट हो गया, छोटी मोटी चीजें भी अगर वो बैंड है, उन चीजों को अगर कंज्यूम करते हैं तो ये एक अम्ब्रेला उसके अंदर आती है कि डोपिंग करी है इस एथलीट। इंडिया में पिछले साल हम लोगों ने एक न्यूज देखी थी कि कॉमनवेल्थ गेम्स से जस्ट पहले 5 एथलीट्स को बैन कर दिया गया था बिकॉज डोपिंग वायलेशन हुए थे उनके। एंड अभी रिसेंटली हमने देखा कि कैसे दीपा कर्माकर अपने 2 साल के बैन के बाद आई है, डोपिंग रिलेटेड बैन के बाद वापस आई है। हमने अलग अलग स्पोर्ट्स में देखा है, आपका एथलेटिक्स हो गया, बॉडी बिल्डिंग हो गया, पावर लिफ्टिंग हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, इवन बॉक्सिंग, इवन क्रिकेट, क्रिकेट में भी हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है पृथ्वी शॉ, यूसुफ पठान, इस टाइप के क्रिकेटर्स भी आ गए थे इस पूरे केस के अंडर। इतना बुरा हाल क्यों है इंडिया का डोपिंग रिलेटेड मामलों में, इसके बारे में थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। और यहाँ पे मेरा आपसे पहला रिक्वेस्ट, बताओ प्लीज आपके हिसाब से क्या हो रहा है इंडिया में। मैंने जो आज इंटरेस्ट जब जागा मेरा इस साइड में, इस साइड को नोटिस और करना शुरू किया, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करी, तो सबसे पहला तो एक आया कि जी नाडा जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, इंडिया की जो एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसके साथ बहुत सारे इशूज हैं। 2017-18 के आसपास वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने एक इन्वेस्टिगेशन चालू करी थी इंडियन एंटी डोपिंग एजेंसी को लेकर, जब उनको एक अनोनिमस टिप मिली थी, कुछ एक दो चीज़ें और रिसोर्सेस आई थी उनके पास कि जी ढंग से काम नहीं हो रहा, और पिछले 4 साल में वो प्रॉपर सीरियसली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे इश्यूज उनके लिए आए हैं निकल कर। एक तो ये कि जी टेस्टिंग पैरामीटर्स ही ठीक से नहीं रखे हुए, टेस्टिंग होती ही नहीं है कॉम्प्रहेंसिवली, सब लोगों की, जिन लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए वो नहीं होती, टेस्टिंग होती भी है तो ढंग से उनका रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है इन प्लेस, ढंग से जो एक्चुअली रिजल्ट्स अगर आए उसको अप्लाई कहाँ करना है, उस पर किस तरह से एक्शन लेना है, रिजल्ट्स को ठीक तरह से कोलेट कैसे करना है, वो सब मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है इन प्लेस। उसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू निकल कर आया सामने कि जो वेयर अबाउट, बेसिकली वेयर अबाउट होता है जो सारे एथलीट्स, सारे स्पोर्ट्स पर्सन नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के अम्ब्रेला के अंडर आ रहे हैं, उनको एट ऑल टाइम्स अपने वेयर अबाउट, वो कहाँ हैं, किसके साथ हैं, किस टाइम तक उस जगह में हैं, कब जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें अब इस नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को बता के रखनी होती है, सबको इन्फॉर्म करके रखना होता है। ये जो एक बहुत क्रूशल चीज़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकली इन्हीं टाइम्स में जब प्लेयर्स गायब हैं, नेशनल ट्रेनिंग कैंप्स में तो नहीं होगा ना ये सब, जब प्लेयर्स नेशनल ट्रेनिंग कैंप्स के बाहर हैं तब ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये सारी चीज़ों को कर्व करने के लिए ये वेयर अबाउट्स वाला क्लॉज डाला था वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये चीज़ इंडिया में इफेक्टिवली अप्लाई ही नहीं हो रही, इस चीज़ के बारे में ढंग से काम ही नहीं हो रहा है, लोग एक्चुअली एथलीट्स
बहुत कम एथलीट प्रॉपर वेयर अबाउट एक्चुअली दे रहे हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को, और ये एक बहुत बहुत बड़ा इशू है। इन सारे इश्यूज को ढंग से जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मैं सीआईडी लेवल इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक्चुअली एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस होता है। अगर प्लेयर ने वेयर अबाउट नहीं बताया है तो किस तरह से उनको ढूंढना है, अगर प्लेयर का कुछ टेस्टिंग ढंग से नहीं हो रही तो किस तरह से पकड़ना है उसको, इस टाइप की चीजों के लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिव टीम होती है हर एंटी डोपिंग एजेंसी में, हर कंट्री में। इंडिया में वो इन्वेस्टिगेटिव टीम है ही ढंग से, मतलब एक आधा कोई लोग हैं, उनके पास ढंग से कैपेबिलिटीज नहीं है, या तो ट्रेंड उतने नहीं है, या तो सिस्टम्स नहीं है उनके पास सपोर्ट नहीं है। कहीं ये इन्वेस्टिगेटिव कैपेबिलिटी कि हाँ भाई अगर प्लेयर गायब है तो हमें पता ही नहीं है कहाँ है, उसके कोचेस को नहीं बताया वो उसने कहा है, या कोचेस तुमको नहीं बता रहे तो किस तरह से ढूंढोगे, थोड़ा सा डर होना चाहिए ना। वो डर की कैपेबिलिटी, वो डर बनाने की कैपेबिलिटी है ही यहाँ पे। अगेन एट द एंड ऑफ द डे अगर जो आपकी एंटी डोपिंग बॉडी है, जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जिसका काम है ये सारी चीजें ढंग से मैनेज करना, ढंग से टेस्टिंग करना, ढंग से एक्चुअली लोगों को रोकना ये सब करने से, वो ही सीरियस नहीं है, वो ही ठीक से काम नहीं कर पा रही, तो एक्चुअली कहाँ अप्लाई करता देखोगे इन सब चीजों को। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आया लास्ट ईयर कॉमनवेल्थ गेम से पहले, WADA वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने 13 हाई लेवल इंडियन एथलीट्स को सेलेक्ट किया मॉनिटर करने के लिए, सिंस जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की वो कर ही रहे थे इन्वेस्टिगेशन, उसी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था कि ये 13 हाई लेवल एथलीट्स को मॉनिटर करेंगे। उन 13 में से एक एथलीट टेस्ट पॉजिटिव कर गए डोपिंग के लिए, उसके अलावा 4 एथलीट ऐसे थे जिन्होंने वेयर अबाउट नहीं बताए थे और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और इन सब के अलावा एक एथलीट ऐसे थे जिन्होंने गलत वेयर अबाउट दे रखे थे, गलत बता रखा था कि कहाँ है कहाँ नहीं है। अगेन घूम फिर के अगर नाडा ही सीरियस नहीं है तो एक्चुअली क्या कर पाओगे आप। अब चलते हैं थोड़े से और फैक्टर्स की तरफ कि ये क्यों हो रहा है इंडिया में, इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ता ही क्यों जा रहा है। एंड जो मैं फैक्टर्स बोल रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरे को अलग से बताए आके, मेरे थोड़े बहुत छोटी सी अकल से जो मेरे को समझ आया है सब कुछ पढ़ने के बाद। अगर मैं आपको लग रहा है कुछ गलत जा रहा हूँ, कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो नीचे कमेंट में बताना जरूर। पहला फैक्टर मेरी समझ से ये था कि अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों की। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको बैंड सब्सटेंसेस पता हो क्या है, वन। उसके बाद बैंड सब्सटेंस किस दवाई में है किस दवाई में नहीं है ये पता हो। आपको ढूंढना आना चाहिए कि अगर मैं कोई दवाई ले रहा हूँ, अगेन स्पोर्ट्स है, इंजरीज बहुत होंगी, मोस्ट डोपिंग केसेस इंजरी के बाद आते हैं अगर, और दवाइयों में आते हैं कई कई केसेस ऐसे हो गए जो अननोइंगली दवाई ले दी है किसी एथलीट ने, किसी बच्चे ने, किसी बच्ची ने। तो ऐसे में आपका सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस कि हाँ जी ये है बैंड सब्सटेंसेस, इस तरह से आपको पता करना है कि आपकी दवाई में ये बैंड सब्सटेंस है या नहीं है। कॉफ सिरप में होते हैं यार, कई कई कॉफ सिरप में बैंड सब्सटेंसेस होते हैं, लोग अपनी खांसी ठीक करने के लिए ले लेते हैं और उसके बाद टेस्ट हो जाता है फिर बाहर हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट, अपनी जिंदगी के सबसे बड़े टूर्नामेंट से वो बाहर हो जाते हैं जस्ट बिकॉज उनको खांसी थी। ये एक चीज जब तक फिक्स नहीं होगी तब तक कुछ ज्यादा हो नहीं पाएगा। लास्ट ईयर अप्रैल में एक नो योर मेडिसिन ऐप बनाई थी, अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च करी थी, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स ने। इसका मेन पर्पस ये है कि जी आप कोई भी अगर दवाई को कंज्यूम करने लग रहे हैं तो उसको पहले आप उस नो योर मेडिसिन ऐप में उसका नाम वगैरह रन कर दो, पता चल जाएगा आपको कि क्या इश्यूज हैं उस दवाई के साथ या नहीं है। अब मुझे इस ऐप के बारे में, अगेन हो सकता है ये बहुत बड़ा इग्नोरेंस हो मेरी तरफ से, बहुत ज्यादा एक अजीब सी चीज, मेरी गलती है फॉर श्योर, बट इस ऐप के बारे में बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता 1.5 साल में। एंड इससे पहले एक इस तरह की ऐप ऑलरेडी बनाई जा चुकी है, वो बहुत जल्दी जल्दी में बनी थी, बिल्कुल ठीक से काम नहीं करती थी, वो फेल होने के बाद ये एक नई ऐप है। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी पर रिलाय करने के बावजूद उसकी अगर टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं दोगे, जो बच्चे एक्चुअली Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज में हैं, गाँव में बैठे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं धीरे धीरे करके, उन तक अगर ऐप की नॉलेज नहीं पहुंचेगी तो फायदा क्या है ऐप बना के। सबसे पहले तो आपको कोचेस को सिखाना है, कोचेस को पकड़ना है पहले, हाँ भी इस तरह की अवेयरनेस रखो, कोचेस की अवेयरनेस करनी है पहले जो सीरियस कोचेस हैं। एंड यहीं पे आता है नेक्स्ट स्टेप जो है वो है मिस इन्फॉर्मेशन और मिस गाइडेंस। नहीं पता था दवाई ले ली, एक बात है, कोच को पता था क्या दे रहा हूं मैं अपने बच्चे को, कोच ने ये बता के कि हाँ भाई नहीं नहीं कोई नहीं ये ले ले इससे परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाएगी,
कोच ने या तो बहलाव उसको आके उस प्रोग्राम में डाल दिया, या कोच या कोई और वेल विशर हो उसकी। कई केसेस हमने ऐसे सुन लिए जो ट्रेनिंग ग्राउंड के आसपास कोई ना कोई लौंडे लपट्टर घूम रहे हैं, जो किसी तरह किसी एथलीट से बात करने की कोशिश कर रहे थे। हमने ये बेटिंग केसेस में भी देखा था, हम ये डोपिंग केसेस में भी देखे हैं। प्लेयर का जहां लोअर लेवल पे खासकर प्लेयर का एक्सेस गलती से भी मिल जाए किसी को भी, तो कोई टाइम थोड़ा लगता है, हाँ ले लेना, मजा आएगा, जल्दी हो जाएगा। एंड ये सब करने के चक्कर में ना, ये सब जल्दी एक्सेलेंस के चक्कर में, यहाँ पे सबसे बड़ा इशू आता है मिसगाइडेंस का और मिस इन्फॉर्मेशन का। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है टैकल करने, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी बच्चा खुद से नहीं इमेजिन कर लेगा कि नहीं मैं ये चीज एक ये वाली दवाई खा लेता हूँ, या ये वाला सब्सटेंस यूज कर लेता हूँ, या ये वाला परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग यूज कर लेता हूँ। कहीं ना कहीं से तो उसको नॉलेज मिलेगी ना, कोच हो गया, सेम वो जो ट्रेनिंग कैंप में है उसमें कोई और सीनियर एथलीट हो गया जो एक सिंडिकेट के साथ काम कर रहे हैं, कोई वेल विशर हो गए, ये सब लोगों को टैकल करने का एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, वो अभी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इफ यू थिंक कि ऐसा कोई सिस्टम है, इस पर काम हो रहा है, तो मुझे बताना जरूर, आई वुड लव टू लर्न अबाउट दैट, बट अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम दिख नहीं रहे ऐसे पब्लिकली सिस्टम्स। एंड यहीं पे आता है तीसरा पॉइंट, जो लॉ का डर होता है, कानून का जो डर होना चाहिए इन सब चीजों में, वो एट दिस पॉइंट मिसिंग है। पिछले साल लोकसभा में एंटी डोपिंग बिल पास हुआ था, उसमें बहुत कुछ था, इंपॉर्टेंट बिल था, वेरी वेरी शॉर्ट, पर उसमें एक चीज जो मिसिंग थी वो थी कि एक्चुअल क्रिमिनलाइजेशन नहीं था, एक्चुअल जेल टाइम नहीं था इस टाइप की किसी भी एक्टिविटी की। मैं एथलीट की जेल टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, मैं जेल टाइम की बात कर रहा हूँ जो लोग एक्चुअली लेट्स से जो उनको गाइड कर रहे हैं, कोचेस, फॉर्मर एथलीट, सीनियर एथलीट, जो भी किसी सिंडिकेट के साथ कोई गलत पर्पस से इस टाइप की चीजें में डाल रहे हैं बच्चों को, उन सब का एक जेल टाइम होना चाहिए। वो चीज मिसिंग थी उस बिल में से, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट इन टाइम। बहुत सारी कंट्रीज में है, जर्मनी, यूएस वगैरह में है इस टाइप की चीजें, पर इंडिया में वो चीज अभी तक नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली हम लोग ढीठ हैं काफी ज्यादा, जब तक हमें पता है कि कुछ ज्यादा होगा नहीं, ज्यादा बैन ही लगेगा, यार क्या हो गया, बैन ही लगेगा, क्या हो गया, नहीं होता ना, जिंदगी खत्म हो जाती है। अगर जैसे ड्यूटी चंद के पास 21 दिन का टाइम है अभी, 4 साल का अपना बैन उसको अपील करने का, पर अगर तो वो बैन लगता है तो ड्यूटी चंद जिनसे हमें एक्चुअली उम्मीदें हैं उसका तो एक पूरा करियर खत्म हो गया ना, यही निपट गया। 4 साल एक एथलीट की लाइफ में बहुत बड़ा पीरियड होता है यार, क्रिकेटर वगैरह भी एक बार को वापस आ सकते हैं। एथलीट का एक अगर प्राइम वाला जो जिसमें सबसे ज्यादा बॉडी एक्टिव है वो उस टाइम खत्म हो गया ना, उसके बाद वो वापस नहीं आता, और उसके बाद वो एथलीट का भी करियर निपट जाता है। तो ये एक चीज, स्पेशली जो लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं, जो लोग उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो लोग उनको गलत चीजें सिखा रहे हैं, उन लोगों पे तो स्ट्रिक्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन लोगों में थोड़ा सा तो कानून का डर होना चाहिए ना, कि हाँ इस टाइप के काम किए तो मेरे को जेल हो जाएगी सीधा, ऐसा नहीं है कि मुझे बस निकाल देने का उन लोगों को डर होता नहीं है ज्यादा। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ओपिनियन में कम से कम। एंड ये सारे फैक्टर्स बताना जरूर अगेन कि आपके हिसाब से अगर ये है या और भी है इनके अलावा, या इनमें से भी कोई गलत है, अगर इन सब में एक चीज आ जाती है मेंटल स्टेबिलिटी कह लो, या थोड़ा सा मेंटल ट्रेनिंग कह लो, या बेसिक एजुकेशन। एट द एंड ऑफ द डे स्पोर्ट्स, सब लोग जो लोग भी एक्चुअली सीरियसली खेलना शुरू करते हैं बहुत कम उम्र से शुरू करते हैं, और शुरू से ही एक कंपेटिटिव नेचर होता है तभी एक्चुअली खेल पाते हैं। एंड वो कंपेटिटिव नेचर कहीं ना कहीं जो भी साइड में बैठा है उससे इमीडिएटली आगे निकलने की कोशिश लेकर आता है सामने। एंड वही हम लोग सारे देखते हैं, पूरी दुनिया वही देखना चाहती है कि एक एथलीट 0.01 सेकंड से भी अगर कोई रेस जीत रहा है वो हमें देखना है। वो 0.01 सेकंड गेन करने के लिए कई एथलीट्स इस लालच में आ जाते हैं कि नहीं एक छोटी सी चीज ले लेते हैं यार, शायद फायदा हो जाए, एक छोटी सी इस टाइप का इंजेक्शन हो गया, इस टाइप की गोली हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ये चीज की एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है बिल्कुल फॉर्मेटिव ईयर्स से, एंड वो अनफॉर्चुनेटली मिसिंग है अभी इंडिया में। मेंटल इश्यूज काफी सारे होते देख लिए हमने पिछले कुछ टाइम में, बढ़ते देख लिए हैं हमने, इतना तक देख लिया है कि एथलीट्स खुद को चोट पहुंचाने में, खुद को एक्चुअली हानि पहुंचाने तक राजी हो जाते हैं। तो ये एक चीज शुरू से ही अगर जूनियर कैंप से, सब जूनियर कैंप से, इंडिया अंडर 13-14 सब जगह से शुरू से ही सिखाई जाए,
कोचेस को ट्रेन किया जाए या ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जाए कि हाँ बेटा ये सब करके एक्चुअली कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये जब तक नहीं होगा ना यार तब तक सिस्टम ठीक नहीं हो सकता अंदर से। अब बाकी सारे फैक्टर्स लगा लो, जब तक उस एथलीट का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आता है, जब तक उस कोच का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आता है, ये दो चीजें जब तक खुद के अंदर से नहीं आएंगी ना तब तक हम जितनी मर्जी बातें कर लें, आप जितने मर्जी कॉमेंट लिख दो, कुछ फायदा नहीं होता। तो आई होप ये चीजें एड्रेस हों। रूटी जन जैसा नाम 4 साल के लिए बाहर हो जाना स्पोर्ट्स से, किसी ने इतने आराम से एक्सपेक्ट किया नहीं था, तो ये एक नहीं सही लगता है। बाकी आप अपने ओपिनियंस प्लीज वंस अगेन कमेंट्स में जरूर लिखते हुए जाना, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बात होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड मुझे बहुत ज्यादा मन है आप लोगों से इसके बारे में बात करने का। तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिख के जाना कि क्या आपकी सोच क्या है इस पूरे मैटर को लेकर। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक का बटन प्लीज दबा दो, ताकि हमारे YouTube महाराज इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाए। और अगर इस टाइप का कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।